आप मूवीज के अंदर तोड़फोड़, कार ब्लास्ट और ये भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये चीजें करना चाहते हैं? आप एक VFX आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, विजुअल इफेक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो कैसे स्टार्ट करें और कहां से स्टार्ट करें? ये क्वेश्चन तो आई थिंक सभी के दिमाग में रहता होगा जो भी VFX आर्टिस्ट बनना चाहते होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, क्या चीज करनी चाहिए और इंडस्ट्री में क्या क्या रोल्स होते हैं एक VFX आर्टिस्ट के। हे गाइस, वेलकम बैक टू FX मंडियार, जहां पे आप सीखते हो फिल्म मेकिंग और VFX से जुड़ी कुछ बातें और टिप्स और ट्रिक्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। VFX विजुअल इफेक्ट्स होता क्या है? ये एक टेक्निक है जो कि यूज की जाती है एक कैमरा से शूट हुई ओरिजिनल फुटेज के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना या उसे हटाने के लिए। इसमें कई तरह की टेक्निक्स और सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें कई चीजें की जाती हैं, जिससे कि फिल्मों में या गेम्स में भी रियलिस्टिक इफेक्ट बनाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप VFX सिर्फ फिल्मों के अंदर ही देखते हो, आप कई जगह देख सकते हो, जैसे कि TV या कोई भी वेब सीरीज, एडवर्टाइजमेंट। VFX में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो इंडस्ट्री में भी जॉब रोल्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मॉडलर। ये वो लोग होते हैं जो एसेट्स बनाते हैं 3D के अंदर। इनका काम होता है एनवायरनमेंट बनाना, करेक्टर बनाना या किसी ऑब्जेक्ट को या एसेट को बनाना। सॉफ्टवेयर्स जैसे कि 3D Max, माया, ZBrush, मडबॉक्स, ब्लेंडर और भी बहुत सारे हैं जो 3D के लिए काम करते हैं। तो आप या तो स्पेशलिस्ट बन सकते हो एनवायरनमेंट में, प्रॉप मॉडलिंग में, या तो करेक्टर मॉडलिंग में। और अगर आप एक मॉडलर हो तो आप VFX इंडस्ट्री या गेम इंडस्ट्री दोनों में अप्लाई कर सकते हो। टेक्सचरिंग आर्टिस्ट। टेक्सचरिंग आर्टिस्ट का काम होता है मॉडलर के दिए हुए मॉडल को पेंट करना, उसे कलर करना या उसे एक टेक्सचर देना। ये डिपेंड करता है मॉडल किस टाइप का है और कैसे उसे टेक्सचर किया जाएगा। इसके अंदर भी आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो, जैसे कि करेक्टर टेक्सचरिंग और प्रोडक्ट टेक्सचरिंग के लिए। सॉफ्टवेयर इसमें अडोबी फोटोशॉप हैवीली यूज होता है टेक्सचर बनाने के लिए, साथ ही सब्सटेंस पेंटर या द फाउंड्री का मारी भी यूज होता है कई सारी स्टूडियोज में, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं टेक्सचरिंग के लिए। रिगिंग आर्टिस्ट। किसी भी गेम या मूवी के अंदर जब भी कोई एक 3D करेक्टर होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हमें एनिमेट करना हो, तो उसे मूव करने के लिए सेम बोन्स बनाई जाती हैं जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग में होती हैं। अगर या तो कोई एनिमल हो तो उसके टाइप का बोन भी उस तरीके से बनाया जाता है, जिन्हें कंट्रोल करके वो बॉडी का मूवमेंट बनाते हैं। रिगिंग आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि बॉडी किस टाइप से मूव करती है और कैसे उसे वो रिग करेगा और मॉडल से वो किस तरह से उसे अटैच करेगा, ताकि वो करेक्टर जब एक एनिमेटर के पास जाएगा तो वो कंट्रोल्स का यूज करके डायरेक्टली उसे एनिमेट कर पाए। सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो माया जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है करेक्टर एनिमेशन के लिए। और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं VFX इंडस्ट्री में, तो आपको जिस भी रोल के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। जब भी आप किसी भी रोल को चूज कर लेते हो तो उसके ऊपर सुपरवाइजर्स भी रहते हैं, जैसे कि VFX सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर वो लोग होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस होता है रियल लाइफ शूटिंग और VFX कैसे शूट किया जाता है, ताकि बाद में स्टूडियोज में जाके कैसे उसमें ऑब्जेक्ट्स या करेक्टर को ऐड किया जाए। ये मूवी के डायरेक्टर के साथ प्लान करते हैं और इनके साथ शूट करते हैं, वो अपना शूटिंग का तरीका बताते हैं किस तरीके से हमें उसमें एलिमेंट ऐड करेंगे। CG सुपरवाइजर। CGI का मतलब होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। तो CG सुपरवाइजर होता है जो भी हम लोग कंप्यूटर से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उनको वो सुपरवाइज करता है। तो ये CG और VFX सुपरवाइजर साथ में काम करते हैं डिजायर शॉट को बनाने के लिए। CG सुपरवाइजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D से लेके FX, लाइटिंग, शेडिंग, मॉडलिंग हर टीम के साथ काम करता है। और एनिमेटेड मूवीज के अंदर तो CG सुपरवाइजर ही होता है, VFX सुपरवाइजर होने की भी जरूरत नहीं होती। लीड वो लोग होते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, जैसे कि मॉडलिंग टीम का कोई लीड कर रहा है। इन्हीं से ही CG और VFX सुपरवाइजर अपने मॉडल की मांग करेंगे VFX बनाने के लिए, और ये उन्हें वो बना के देगा अपनी टीम के हेल्प से। लेकिन आपको क्या स्किल्स होनी चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ये स्किल्स पहले से हो या आपको ये स्किल्स आना जरूरी ही है, लेकिन फिर भी ये स्किल्स एक प्लस पॉइंट है आपके VFX आर्टिस्ट बनने के लिए। ये कोई सॉफ्टवेयर स्किल्स नहीं है। सॉफ्टवेयर स्किल्स तो तब आती हैं जब आप रियलिटी में इसे सीखना शुरू कर देते हो, जिसके अंदर पैशन और विजुअल थिंकिंग तो शायद हर एक आर्टिस्ट में होगी जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी। अगर पैशन है तो सारी स्किल्स को आप ओवरकम कर सकते हो और सीख सकते हो। अब सवाल आता है कि आपको सीखना कहाँ से है, लर्निंग कहाँ से शुरू करनी है।
ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। देखो, दो तरीके होते हैं, या तो आप किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, या तो आप खुद से सीखो ऑनलाइन या किसी मेंटर से जो आपको सिखा सकता है। कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन कोर्स से सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं। उनके सामने एक फिजिकल टीचर होना चाहिए जो उनके सामने उन्हें सिखा रहा हो। लेकिन VFX इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर एक दिन कुछ नया आता ही रहता है। डजंट मैटर, आप कहीं से भी सीखो, बट करते जाओ और सीखते जाओ। अब दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ करते हो, इसमें आप अपनी मर्जी से अपनी लर्निंग स्पीड सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से कोर्सेज आप ले सकते हो, यह आपको सस्ता भी पड़ सकता है। और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है वो आप स्किप कर सकते हो, उसे छोड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आपको, पहले तो आपको नेटवर्क आपका बढ़ जाएगा आपके फ्रेंड्स और टीचर की वजह से। आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर को सस्ते में भी खरीद सकते हो। यूनिवर्सिटी में कई तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि शूट डे या कुछ सेमिनार्स, और इनके पास सारे इक्विपमेंट भी होते हैं, जैसे कि लाइटिंग सेटअप, कैमराज, ग्रीन स्क्रीन एक्सेट्रा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो अच्छी जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करवाती हैं, बट फिर भी आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, और आप अपने आसपास के कोई भी इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कोर्स चूज़ कर सकते हो ऑनलाइन या इंस्टीट्यूट में जाकर। वैसे भी कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी एक दूसरे से अच्छा या बुरा नहीं होता, वो आपको सिर्फ टूल्स सिखा देंगे कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। फिर वो आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप उसे किस तरह से अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस रोल के बारे में ज़्यादा जानना है, और आपको क्या क्या जानना है एक VFX आर्टिस्ट बनने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर हमें आने चाहिए एज VFX आर्टिस्ट, और कुछ और रिसोर्सेज जिनकी हेल्प से हम लोग और अच्छे विजुअल इफेक्ट बनाना सीख सकते हैं। तो चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।